नमस्कार, स्वागत है आपका मॉम्स किचन में। मैं हूँ वसुधा और आज हम बना रहे हैं घर में ही बहुत ही आसानी से बनने वाला हेल्दी और टेस्टी रोटी पिज्जा। इसे हमने नाम दिया है रोट्ज़ा। तो चलिए मम्मा, जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों का फेवरेट और आसानी से बनने वाला रोट्ज़ा। आज ये रोटी पिज्जा हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से। तो मैंने लिया है यहाँ एक कटोरी गेहूं का आटा। अब हम इसमें डालेंगे चौथाई चम्मच अजवाइन। पिज्जा बेस्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चुटकी नमक। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो रोट्ज़ा का पिज्जा बेस हम बना रहे हैं रोट की तरह, तो इसमें मून देने के लिए मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच तेल। अब इस तेल को भी हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे को गूंथने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप गरम दूध। इससे पिज्जा बेस अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरा बनेगा। तो देखिए, ये आटा गूंथकर तैयार है। रोटी पिज्जा का बेस बनाने के लिए आटा ना ज्यादा गीला होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा टाइट। तो अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा सेट होने के लिए रख देंगे। तो लीजिए, आटा भीग कर अच्छे से सेट हो गया है। अब 2 मिनट के लिए इस आटे को अच्छी तरह से मथ लेंगे। इस आटे के हम 2 भाग करेंगे और इसकी गोल लोई बनाकर इसे बेलन से एक गोल रोटी की तरह बेलेंगे। जब हम इसे बेलेंगे तो ये किनारों से टूटा फूटा दिखेगा, तो हमें हाथों से इसे गोल करना है। तो ये देखिए, इस तरह से किनारों को अच्छी तरह से दबाते हुए आपस में मिलाकर हम इसे एकदम गोल कर देंगे और फिर से इसे बेलन से थोड़ा सा बेलकर पतला कर लेंगे। आप अपनी पसंद से इसे मोटा या पतला रख सकते हैं। अब एक फॉर्क से इस रोटी के बीच में हम सभी तरफ अच्छी तरह से छेद कर देंगे ताकि ये सेकते समय फूले नहीं। तो इसी तरह हम दोनों रोटियों को बेल लेंगे। मैं इन रोटियों को ओटीजी में सेक रही हूँ, तो इसे हम बेकिंग ट्रे पर रखेंगे और प्री हीटेड ओटीजी में मैंने इसे दोनों रॉड के साथ 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए सेका है। अगर आपके पास ओटीजी या ओवन माइक्रोवेव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे तवे पर भी सेक सकते हैं या बाटी वाले तंदूर में भी सेक सकते हैं। तो जब तक ये रोट सिककर तैयार होते हैं, हम पिज्जा टॉपिंग की तैयारी करते हैं। पिज्जा टॉपिंग करना बहुत ईजी है, इसे बच्चे भी कर सकते हैं। पिज्जा टॉपिंग करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे नमक, काली मिर्च पाउडर, बारीक कटे हुए प्याज, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, रेड और येलो बेल पेपर और चॉप टमाटर। मैं ये पिज्जा बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इस पर लगाया है टमेटो केचप। आप चाहें तो पिज्जा स्प्रेड भी लगा सकते हैं और मोज़रेला चीज। अब चीज के बिना तो पिज्जा अधूरा है, लेकिन अगर आपको चीज पसंद नहीं है तो आप पनीर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा पिज्जा बेस बिल्कुल तैयार है। अभी हमने इसे बहुत ज्यादा नहीं सेका है क्योंकि हम इसे टॉपिंग करके फिर से सेकेंगे। तो चलिए, अब हम इस पर टॉपिंग करते हैं। सबसे पहले पिज्जा बेस पर केचप या पिज्जा सॉस लगाएंगे। टमाटो केचप या पिज्जा सॉस लगाने के बाद हम एक एक करके सभी सब्जियों को इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। सब्जियां डालने के बाद मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। अगर आपके पास ऑरिगेनो या पिज्जा सीजनिंग है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और लास्ट में हम डालेंगे बच्चों का फेवरेट मोज़रेला चीज। बस आप अपनी पसंद से जितना चाहे इस पर चीज डालिए। अब हमें फिर से इसे बेक करना है, तो मैं इसे फिर से ओटीजी में रख रही हूँ और कम से कम 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए मैंने इसे बेक किया है। बेक करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें, चीज के पिघलने तक आप इसे बेक करें। चीज जलना नहीं चाहिए, तो जब ये पिघलने लगे तो समझ लीजिए कि आपका पिज्जा बनकर तैयार है। अगर आप इस पिज्जा को तवे पर बना रहे हैं तो टॉपिंग करने के बाद इसे तवे पर रखिए और तवे को कवर करके इसे धीमी गैस पर चीज के पिघलने तक सिकने दीजिए। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा होममेड रोट्ज़ा यानी रोटी पिज्जा। ये तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि जब बन जाओ, जब इसे बनाओ और एंजॉय करो। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे बिग लाइक देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स टेक केयर एंड बाय बाय।